मुझे बहुत बढ़िया लगता है इन लेवल्स पे। लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे मैंने इसको इनफैक्ट लास्ट ईयर भी स्टॉक को रेकमेंड किया था 70-80 के लेवल्स पे। जेम्स भी शायद 90 रुपए के लेवल्स पे रेकमेंड किया है, और अभी भी ये जो 110-112 के जो लेवल्स है, 15 के जो लेवल्स है, बहुत सस्ते लगते हैं इस कंपनी के लिए। थोड़े से कुछ इश्यूज थे, एक पर्टिकुलरली एक लाइबिलिटी थी जो कि कंपनी ने 67 करोड़ का कुछ था लास्ट क्वार्टर में दिसंबर में दिखाया, फिर मार्च में भी कुछ वहां पे बंगाल में इलेक्शंस थे उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ चल रहा था। और अब इनका जो नया प्लांट आया है जलपाई सिलीगुड़ी में, और ओवरऑल देखिए एक जीरो डेट कंपनी और 10 मेट्रिक टन की कैपेसिटी वाली, मिलियन टन की कैपेसिटी वाली कंपनी बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे। और मुझे लगता है कि अभी भी इस स्टॉक में बिल्कुल भी डाउनसाइड रिस्क नहीं लगती है। अगर खोने को भी है तो 8-10% मिड कैप स्मॉल कैप में अगर खो भी देते तो देखिए उतना तो आपको लेके चलना पड़ता है, बट ये स्टॉक आराम से 150 के लेवल्स आने वाले दिनों में क्रॉस करेगा। हालांकि मैंने टारगेट दिया 140 का, 150 200 के लेवल्स मुझे दिखते हैं। पिछले 7 साल में प्रॉफिट की अगर 80% की रही है कंपनी की, सेल्स बहुत बढ़िया, प्रॉफिट मार्जिन 14-15% के लगभग, और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मार्च में दिया इन्होंने 85 करोड़ का पैट, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले और 140 से 150 का टारगेट इमीडिएट 3 से 6 महीने की अवधि के लिए। ओके तो ये है आपके लिए स्टार सीमेंट, इस पर खरीदारी की राय जैन साहब की तरफ से 140 150 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग टर्म पिक आपके लिए आ रही है।